पहले ईडी आईटी को भेज के राज्य सरकार की छवि खराब करने का काम किया। जब ईडी और आईटी के छापों में कुछ हासिल नहीं कर पाए, उल्टे केंद्र सरकार की जगहसाई होने लगी कि छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने के लिए मोदी सरकार बदले की भावना से, दुर्भावना से ईडी की कार्रवाई करवा रही है। तो केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री आके छत्तीसगढ़ में झूठ बोलना चालू कर दिए। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में आके G20 के बारे में झूठ बोलते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में गलत आरोप लगाते हैं। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है कि आधारहीन तथ्यों को लेकर आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री आए, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, अमित शाह, यहाँ तक कि गोवा के मुख्यमंत्री भी आके झूठ बोल के गए। तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता झूठ बोल के छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने की है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को समझ चुकी है कि जितना झूठ बोलेंगे कांग्रेस की सीटों में उतना ज़्यादा इजाफा होगा।